ठीक है। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन किया था, ठीक है। जिन बच्चों को फिर भी अगर कोई मान लो अगर दिक्कत आती है, मान लो कैमरे वगैरह में हो सकता है, ग्राफ वगैरह में कोई प्रॉब्लम आए, प्लीज़ आप मुझे डायरेक्टली बोलिए, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको कुछ भी कैमरे से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है आप, ताकि मैं अगर आपको उसमें अगर क्लियरली इन केस अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको नोट्स के कॉपी आपको भेज दूंगा उस दिन के, ताकि आपको फिर प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक, ठीक है। तो कल हमने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन देखा था, उसमें एक कर्व था, ठीक है। एक इसमें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में हमें दो कर्व पढ़ने हैं एक्चुअली, ठीक है। पहला पढ़ना है हमें आइसोथर्मल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। आइसोथर्मल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में कुछ नहीं है, इसमें जो ग्राफ बनता है वो वर्सेस वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, क्या होगा, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। क्योंकि आइसोथर्मल कर्व मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट का कर्व है। किसका कर्व है ये, टेम्परेचर कांस्टेंट का कर्व। और टेम्परेचर कांस्टेंट के कर्व में हम क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं बेसिकली, नॉट एक्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट, बेसिकली क्या, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का जो कर्व रिप्रेजेंट करता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप थोड़ी इधर से बात को ध्यान से समझो, तो याद करो अगर यहाँ पे मेरा पी नॉट बी था, तो यहाँ क्या था, मेरा पी नॉट ए था। तो एक ग्राफ तो मेरा कैसे जा रहा था, लिक्विड वाला ग्राफ तो मेरा स्ट्रेट जा रहा था, और वेपर वाला कर्व कैसा जा रहा था, नीचे जा रहा था। इस तरीके से हमने ग्राफ देखा था, और हम इनको अलग कैसे करते हैं, जैसे ऊपर मेरा लिक्विड है और नीचे मेरा वेपर है, तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में हम क्या करते थे, पहले हम जाते थे वेपराइजेशन, सॉरी उल्टा जाते थे, पहले हम क्या करते थे वेपराइजेशन, याद करो पहले हमने क्या किया, वेपराइजेशन किया, फिर कंडेंसेशन किया, फिर क्या किया, लिक्विड से गैस गए तो वेपराइजेशन, वेपर से लिक्विड गए तो कंडेंसेशन। अब खुद से देखो क्या वेपर से जब कंडेंसेशन के प्रोसेस से मोल फ्रैक्शन में कोई चीज चेंजेस आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यही चीज मैं आपको कल समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब जितना वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उनके मोल फ्रैक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो वो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है। फिर से अगेन क्या होगा, आप क्या करोगे, वेपराइजेशन करोगे, फिर से आप क्या करोगे, कंडेंसेशन करोगे, और फिर फाइनली एक वेपराइजेशन, फिर एक समय ऐसा आएगा वेपराइजेशन कंडेंसेशन वेपराइजेशन कंडेंसेशन, ऐसे करते आप एक समय ऐसा पहुंचेगी आपको प्योर लिक्विड एक का मिल जाएगा। आप चाहो तो उल्टा भी चालू कर सकते हो, दैट चॉइस इज योर, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर आइसोथर्मल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर्व, ठीक है। अगर मैं बात करूं आइसोबैरिक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, तो आइसोबैरिक मतलब कौन सा क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ऑब्वियस बात है ये ग्राफ फिर वेपर प्रेशर बस स्मॉल फ्रैक्शन का नहीं होगा, ये जो ग्राफ होगा बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का कर्व होगा। किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में टी नॉट बी मेरा कहाँ होगा, ऊपर होगा, टी नॉट ए क्या होगा मेरा, नीचे होगा। टी नॉट बी कहाँ होगा, ऊपर, सॉरी टी नॉट ए ऊपर होगा, टी नॉट बी अगेन मेरा क्या होगा, नीचे होगा। आपको से सोचो कि अगर मान लो एक लिक्विड का वेपर प्रेशर मेरा 200 mmHg है और दूसरे लिक्विड का वेपर प्रेशर मेरा 400 mmHg है, तो ऑब्वियस बात है आपको 200 पहुंचने में कम टेम्परेचर बॉइल करना, मतलब आपको कम बॉइलिंग, सॉरी 200 mmHg वेपर पहुंचने के लिए आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब 200 mmHg वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन वही 400 mmHg वाले का आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उतना दूर तक जाने के लिए, तो इसका मतलब ज़्यादा ज़्यादा वेपर बनाना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसका वेपर प्रेशर भी कम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम, तो अगेन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, देखो अब यहां पे क्या होगा, वेपर का तो कर्व ऊपर की तरफ रहेगा, दिस इज कर्व ऑफ वेपर। तो एक बात और मैं बता देता हूँ, इनके कोई इक्वेशंस नहीं है, दीज ग्राफ्स आर एक्सपेरिमेंटली। तो जो भी आपको एनसीईआरटी वगैरह मिलेगा या हाई स्टैंडर्ड लेवल बुक में, स्पेशली एनसीईआरटी में आपको ये सब कर्व मिलेंगे, तो ये जो कर्व है ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली है, बस मैं उनको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या ये कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या, ऊपर लिक्विड आता था नीचे वेपर आता था, बट इनमें क्या होगा, वेपर ऊपर आएगा नीचे लिक्विड आएगा। लिक्विड का क्या स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं, लिक्विड का भी कर्व कैसा रहेगा, कर्व नेचर का रहेगा। तो दिस इज केस ऑफ लिक्विड, आई बात समझे। अब जैसे सपोज करूँ मुझे बी चाहिए, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं वेपराइजेशन करूँगा, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, और एक समय के बाद आएगा कि मुझे प्योर बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। देखो हो सकता है एक कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, बट मेरे से गलती से वो खिंचा गया है, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं होगा, ये मैंने गलत ही खींचा, सॉरी थोड़ा मार्कर में हाथ नहीं बैठ पाता एक्चुअली, तो माई मिस्टेक। तो ये कर्व थोड़ा स्ट्रेट ही रहता है, ठीक है। फिर से मैं लिख देता हूँ,
अगर ये हुआ यहाँ से वेपराइजेशन, तो यहाँ से क्या होगा कंडेंसेशन, यहाँ से क्या होगा वेपराइजेशन, यहाँ से क्या होगा कंडेंसेशन, और फिर एक समय के बाद आएगा आपको प्योर लिक्विड भी मिल जाएगा। या आप उल्टा भी जा सकते हो, आप पहले बोलोगे सर नहीं सर मुझे पहले कंडेंसेशन करना है फिर वेपराइजेशन करूँगा फिर कंडेंसेशन फिर वेपराइजेशन फिर कंडेंसेशन, वो आपकी चॉइस है, आप जिस तरीके से जाना चाहते हो उसमें कोई ये पाबंदी नहीं है कि पहले आप कंडेंसेशन, तो दैट टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। बट जो जनरल प्रोसेस होता है, हम पहले क्या करते हैं लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं फिर वेपर को कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन में कोई मोल फ्रैक्शन का चेंजेस नहीं आ रहा है। अगेन आप देखो जैसे जैसे कंडेंसेशन हो रहा है तो वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन का कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो दिस वॉज योर ओवरऑल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर, तो यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कर की तरफ, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कर्व है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आप ये पढ़ो कि फॉर्मेशन और आखिर सॉल्यूशन फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में है क्या, जैसे आप याद करो गैसेस आपके दो टाइप के होते थे, एक वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को हर प्रेशर और टेम्परेचर पे फॉलो करता है वो क्या होता है आइडियल गैस होता है, लेकिन रियल गैस क्या होता है या नॉन आइडियल गैस क्या होता है भाई, ऐसा गैस जो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे फॉलो करे गैसियस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन को उसको हम बोलते हैं रियल गैसेस, ठीक है। लेकिन वैसा ही सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर तो वो मेरे लिए आइडियल गैस होता है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं फॉलो करता स्पेशल कंडीशन पे ही उन चीज़ों को फॉलो करता तो वो मेरे क्या हो जाता है रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो आके पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म कैसे होता है। जैसे सपोज करो ये मेरा प्योर लिक्विड ए है, तो ऊपर में किसका होगा सिर्फ ए का होगा, ऑब्वियस बात है ए के वेपर भी बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ए के वेपर भी बनेंगे। तो इन दो ए के बीच में क्या है ए इंटरैक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं ए इंटरेक्शन, मतलब सिर्फ लिक्विड ए है तो ए और ए के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनेगा जिसको हम ए इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब समझो बात को, अगर मेरा क्या है अगर मैंने कोई दूसरा लिक्विड लिया प्योर लिक्विड बी इसके भी अपने सरफेस पे बी के ही मॉलिक्यूल होंगे और ऊपर वेपर भी किसका बनेगा बी का ही बनेगा और इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन है बी इंटरेक्शन है बी और बी का इंटरेक्शन है, ठीक है बी इंटरेक्शन है, इनके बीच में क्या है ए इंटरेक्शन है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो आपको एक क्या बनेगा एक सॉल्यूशन बनेगा किसका ए और बी का, तो ऑब्वियस बात है वेपर भी ए और बी के बनेंगे यहाँ पे, यहाँ पे सरफेस में क्या बनेगा ए और बी। जैसे आपने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा था कि भैया रिएक्टेंट क्या होता है, ऑब्वियस भाई ये दोनों आपके लिए रिएक्टेंट हुआ और ये आपके लिए स्पेशल प्रोडक्ट हुआ। अब क्या होगा रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बनना है तो भैया सिंपल सी बात है पुराने बॉन्ड को टूटने पड़ेंगे और नए बॉन्ड को बनने पड़ेंगे, इसका मतलब ए इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा ब्रेक होगा यहाँ पे, और जब ये ब्रेक होगा तो हीट क्या करेगा ये एब्जॉर्ब करता है, ये हीट इस केस में क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। यहाँ बीबी इंट्रैक्शन भी क्या होगा ब्रेक होगा, अगर सिंपल सी बात है इसको एक सॉल्यूशन बनना है तो आपस में इंट्रैक्शन क्या करेंगे तोड़ेंगे और ये किसके साथ बनाएंगे ए के साथ इंट्रैक्शन करेंगे फिर ये, और अभी साथ इस केस में भी हीट क्या होगा एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, ठीक है हीट भी एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी ए बी इंटरेक्शन की, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं किसकी ए बी, क्योंकि सॉल्यूशन में आपका किसका किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है ए और बी के, मतलब उसी को हम बॉन्ड नहीं बोल के सॉल्यूशन में हम उनको इंटरेक्शन बोलते हैं, तो ए और बी का इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा फॉर्मेशन हो रहा होगा, यहाँ के दो के बीच में इंटरेक्शन क्या हो रहा फॉर्म हो रहा है, और इसका मतलब ये जो होगा ये हीट एनर्जी क्या करेगा रिलीज करेगा,
हीट एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो आई होप सो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो एक्चुअल दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इफ ऑल इंट्रैक्शन आर सेम। मान लो कहने का मतलब क्या है, ए ए इंट्रैक्शन, बी बी इंट्रैक्शन और ए बी इंट्रैक्शन, तीनों की वैल्यू क्या है मेरी, सेम है, तो उस केस में ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन और अगर अब आइडियल सॉल्यूशन के कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, तो हर सॉल्यूशन को हम चार पांच कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कुछ चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। तो चार पांच कैटेगरी क्या है, जैसे डेल्टा वी मिक्स, पहला कैटेगरी है कि भाई डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है, ये मेरा पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग, क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, ठीक है। तीसरा कैटेगरी क्या है, डेल्टा एस, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग, चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्स लिखो ज़्यादा बेटर है, डेल्टा जी मिक्स, ठीक है, ये क्या होगा, चेंज इन गिव्स एनर्जी ऑन मिक्सिंग, चेंज इन गिव्स एनर्जी ऑन मिक्सिंग, ठीक है। अब इसी चार कैटेगरी के आपको चार वैल्यू से आपको ये पता करना है कि आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले बात को समझो, मैंने क्या बोला भाई, दो लिक्विड लिए आपने, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, तो ए और ए के बीच में क्या ए इंट्रैक्शन है, बी और बी के बीच में क्या बी बी इंट्रैक्शन, ठीक है। तो जब मैं क्या बोला, जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको एक सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। यदि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3, मतलब जो टोटल 50 और 50 मिला के अगर आपको 100 ml मिल रहा है, तो इट मीन्स चेंज इन मिक्सिंग, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कुछ मिला क्या आपको, भाई कुछ नहीं भाई, जितना ऐड किया उतना ही मिला, ठीक है। तो जब जब डेल्टा V मिक्स जीरो होता है, जब डेल्टा V मिक्स जीरो होता है, तो उस केस में हम सॉल्यूशन को क्या डिसाइड करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, आइडियल, मतलब 50-50 मिला, 100 मिल गया आपको, मतलब जितना ऐड किया टोटल वॉल्यूम ऐड हुआ, मतलब V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3 जिस केस में हुआ। मान लो इनके केस में क्या, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है और इसका वॉल्यूम V3 है। अगर V1 प्लस V2 की वैल्यू V3 के बराबर है इस केस में, तो इसका मतलब ये हमेशा डेल्टा V मिक्स क्या हो रहा है, जीरो, मतलब मिक्सिंग पे वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है। क्यों भाई, जितना था उतना ही आपको मिल रहा है, जितना ऐड किया उतना आपको मिल गया। लेकिन अगर मान लो 50 और 50 मिक्स किया और आपको 110 मिल गया, 110 मिल गया, या 100 या 100 से कम मिल गया, या 90 मिल गया, तो उस केस में ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा, उस केस में हम इनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको इससे बेटर कंपैरिजन करना था, आप याद करो मैंने आपको रियल गैसेस में पढ़ाया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो मैंने आपको क्या बोला था, अब भाई पीवी बाई एनआरटी को अगर आप डिवाइड करते हो और अगर जेड की वैल्यू 1 आती है, तो जेड की वैल्यू 1 आएगी तो हमेशा गैस मेरा क्या होगा, आइडियल गैस होगा। लेकिन अगर जेड लेस नॉट इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो लेस देन 1 होता तो हम नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं और ग्रेटर देन 1 होता है तो पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी लगानी है, भैया V1 प्लस V2 अगर इज इक्वल टू V3 है, तो इसका मतलब डेल्टा V मिक्स जीरो है तो आइडियल गैस है, अगर डेल्टा V मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में भी दो टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे, भाई अगर डेल्टा V मिक्स लेस देन जीरो है तो नेगेटिव डेविएशन होगा, और डेल्टा V मिक्स ग्रेटर देन जीरो है तो आपका कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। सेम थिंग हम यहाँ पे भी डिसाइड करेंगे। वही डेल्टा एच मिक्स की बात करूँ तो ये V मिक्स से भी आप देख सकते हो, डेल्टा एच मिक्स से भी देख सकते हो। डेल्टा एच मिक्स में कॉन्सेप्ट क्या है, भाई इसने मान लो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 50 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए, 50 जूल। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ से करता, फ्रॉम द सराउंडिंग, आपको देना नहीं पड़ता, ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा 50 जूल, मतलब 50 जूल तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा बोला, बहुत कम में क्या होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 50 जूल एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे भी 50 जूल एब्जॉर्ब किया, तो टोटल एनर्जी जो रिलीज होनी चाहिए तो वो 100 जूल रिलीज होनी चाहिए, भाई जितना लिया उतना दे दिया, इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन है। अब 100 तो टोटल ये एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये रिलीज कर दिया मान लो 120, अगर रिलीज कर दिया 120 तो ओवरऑल आपका सॉल्यूशन ठंडा रहेगा या गर्म, ऑब्वियस बात है ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दिया ना तो ठंडा रहेगा आपका, ठीक है। और अगर मान लो 100 टोटल 50 और 50 100 एब्जॉर्ब किया लेकिन सिर्फ 80 रिलीज किया,
तो अभी भी सॉल्यूशन आपका किस नेचर का रहेगा, गर्म रहेगा। मतलब डेल्टा एच क्या रहेगा, लेस देन जीरो हो जाएगा इस केस। तो डेल्टा एच लेस देन जीरो के केस में क्या हो जाएगा, मतलब 100 होना चाहिए था, 100 के बजाय 80 मिला, मतलब इट विल बी डेल्टा एच मिक्स जीरो तो नहीं है अब, इट विल बी लेस देन जीरो, मतलब माइनस 20 का डिफरेंस आ गया। 80 माइनस 100 देखो, और उधर क्या था 120 और 100, तो एंडोथर्मिक। सॉरी माय मिस्टेक, 100 माइनस मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन से 120 को सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस 20 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा प्लस 20, ठीक है। तो इस केस में अगर उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, 100 माइनस 120 तो माइनस 20 आएगा। सपोज करो 50-50 एब्जॉर्ब किया और 100 मिलना चाहिए था, मतलब जितना एब्जॉर्ब किया उतना रिलीज किया, तब तो आइडियल सॉल्यूशन है। 50-50 एब्जॉर्ब किया लेकिन रिलीज कर रहा वो 120, मतलब 100 में से 120 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 होगा, मतलब माइनस 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो देट माइनस 20 डिफरेंस मतलब क्या, डेल्टा इज लेस देन जीरो, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा रहता है, अगर जब एनर्जी ज़्यादा अवकाश से ज़्यादा रिलीज कर देगा तो वो ठंडा पड़ जाएगा ना, लेकिन जितना एब्जॉर्ब किया लेकिन उससे कम रिलीज करा, तो कुछ तो एनर्जी उसने अपने पास रखी है। मतलब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक है, तो उस केस में आप तब भी सॉल्यूशन मेरा नॉन आइडियल ही रहेगा, चाहे डेल्टा एच लेस देन जीरो रहे या डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो रहे। जितना एब्जॉर्ब किया उतना रिलीज नहीं करा, तो इस केस में वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, वो भी हम देखेंगे, बट फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। डेल्टा एस मिक्स जीरो, सिंपल सी बात है, जब आप किसी दो चीज़ को मिक्स करते हो, रसना और पानी को आपने मिक्स किया, तो आपको क्या हथौड़ी वगैरह देना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, ड्रिल मशीन चलानी पड़ती है उनको मिक्स करने के लिए? नहीं, आप सिंपल सा क्या करते हो, एक गिलास में रसना लेते हो, एक उसमें पानी डालते हो, उसमें रसना डालते हो, हल्का सा चम्मच घुमाओगे तो आपको रसना पीने लायक बन जाता है। मतलब आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद वो दोनों अपने आप बन रहा है, आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसका मतलब इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कभी भी सॉल्यूशन बनता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, क्या होता है स्पॉन्टेनियस। तो याद रखना डेल्टा जी मिक्स जो होता है वो हर केस में, मतलब ये रियल और आइडियल दोनों के लिए डेल्टा जी मिक्स क्या होगा, जीरो। भैया सॉल्यूशन जब भी बनेगा वो अपनी मर्जी से बनेगा और अपने आप बनता है, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। तो ये बात हमेशा फिक्स रहेगी, डेल्टा जी मिक्स दोनों केस में लेस देन जीरो होता है और डेल्टा एस मिक्स हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। चाहे कोई भी अब सॉल्यूशन बन रहा है, चाहे आइडियल और नॉन आइडियल हो, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो आइडियल और नॉन आइडियल के लिए ये दो केस फिक्स रहता है, बस इन दो केसेस के अकॉर्डिंग हम आइडियल और नॉन आइडियल को डिसाइड करते हैं। आई बात समझ में, आई होप सो इतना चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे इनमें। बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्स एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्स एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्स एंड डेल्टा एच मिक्स सॉल्यूशन एंड डेल्टा एच मिक्स सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज टू कैटेगरी, ठीक है। किसके बेसिस में, हम डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स के कैटेगरी से, मतलब इनके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है मेरा आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है मेरा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन विच फॉलो रॉड्स लॉ, सॉल्यूशन विच फॉलोस रॉल्स लॉ, सॉल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ एंड एट ऑल टेम्परेचर एंड
concentration at all temperature and concentration are known as ideal solution. हम क्या बोल रहे हैं भाई, सेम आइडियल गैस का ही हम यहाँ पे वैलिड कर रहे हैं कि भाई जो सॉल्यूशन हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे क्या करता है, मेरे रॉड्स लॉ को फॉलो करता है, वो मेरे लिए क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है. क्या होता है मेरे लिए? आइडियल सॉल्यूशन. तो इसमें कैसे समझना है आपको, जैसे मेरा टोटल प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी. मतलब अगर आपने ये फॉर्मूले से टोटल प्रेशर निकाला, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, P observed should be is equal to P calculated. कहने का मतलब है थ्योरेटिक आपको मैंने क्या किया, दो सॉल्यूशन दिया, उनके वेपर प्रेशर दे दिया, उनके मोल फ्रैक्शन दे दिया. थ्योरेटिकली आपने भैया सपोज करो जो वैल्यू निकालो वो P कैलकुलेटेड है, मतलब रॉल्स लॉ के फॉर्मूले के लगा के अगर आपको जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, ये सब ये डाटा अगर आपको गिवन है और आपने रॉड्स लॉ लगा के जो टोटल प्रेशर निकाला वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वो उसको हम पी कैलकुलेटेड बोलते हैं, ठीक है. लेकिन अगर इसी चीज़ को आप एक्सपेरिमेंटली करते हो, एक्सपेरिमेंटली मतलब जैसे इस तरीके से समझाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे आपने लिया सॉल्यूशन ए और बी का, किसका लिया, सॉल्यूशन ए और बी का. तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो. तो सॉल्यूशन ए और बी मान लो के लिए मीडियम पे आ चुका है, यहाँ पे वेपर बन चुका था, वेपर यहाँ से जाएंगे, ठीक है. इनिशियली ये डॉटेड लाइन जो है, इनिशियली मर्करी यहाँ पे क्या है, मर्करी है, यहाँ पे क्या है, मर्करी है. दोनों का लेवल इस तरीके से मानता हूँ मैं, इनिशियली डॉटेड लाइन मेरा क्या है, मर्करी का लेवल है. किसका लेवल है, मर्करी का लेवल है, ठीक है. तो जैसे ही वेपर बनेगा, वेपर बना तो वेपर यहाँ जाएगा और प्रेशर डालेगा, इसका मतलब मर्करी का कुछ लेवल यहाँ पे आ चुका है और ये मर्करी का लेवल यहाँ पे बढ़ चुका है. तो ये जो वैल्यू मिलेगा इसको हम बोलेंगे पी ऑब्जर्व, मतलब एक्सपेरिमेंटल से वही वेपर प्रेशर आपने निकाला सॉल्यूशन का, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके निकाला, ठीक है. और इन केस अगर पी ऑब्जर्व बराबर पी कैलकुलेटेड है, मतलब इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, रॉड्स लॉ को फॉलो कर रहा है. तो मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है. और ये यहाँ ये वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर ओरिजिनल सॉल्यूशन का है, मतलब यहाँ पे जो है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे आफ्टर प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर प्रेशर, मतलब सिर्फ सॉल्यूशन था, लिक्विड था, वेपर नहीं बना था, तब यहाँ पे था डॉटेड लाइन.